हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपराइड ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और भाई आज आपके लिए ले आया हूँ मैं स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप मॉडल। दो अभी इसमें आते हैं भाई, एक एस क्लासिक और ये है S11। अपने पास खड़ा ये S11 क्लासिक। सामने की तरफ से वही पुराने वाले स्कॉर्पियो देखने को मिलती है, साथ में इसके अंदर आपको नया वाला लोगो, 6 लेट का क्रोम की ग्रिल कुछ इस तरीके से दी है। और ये वही जो पुरानी स्कॉर्पियो में आता था पिछले से पिछली जनरेशन में, एयर इनटेक जो कि डमी है लेकिन बना दिया गया है। सामने की तरफ देखो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक है। यहाँ पर आपको मिलेंगे इसमें ये आपके टीआरएल यहाँ पर दे दिए गए, लो बीम हाई बीम यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ में नीचे देखने को मिल जाएंगे आपको इसके फोग लैंप जो कि एलईडी के अंदर देखने को मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको सेम सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिलेगी। हुड काफी लंबा है, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो भाई लंबाई और चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई 1870 mm की और लंबाई 4485 mm की देखने को मिलती है। साइड से बात करेंगे तो भाई ब्लैक कलर में पूरा का पूरा मोनोक्रोम इसमें देखने को मिलता है जो काफी अच्छी लगती है। एम वॉक इंजन है वही इसमें, 2.2 लीटर वाला एम वॉक इंजन, टू जनरेशन टू देखने को मिलता है। नीचे की बात करें यहाँ मिलेंगे आपको इसके 17 इंच के अलॉय व्हील जो कुछ इस तरीके के दिख जाते हैं। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बैठने के लिए पैरों के सपोर्ट के लिए दे दिया गया है। इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, टॉप मॉडल में भी फेंडर पे इंडिकेटर दिए कंपनी ने। ORVM यहाँ देखने को मिल जाएंगे। डोर हैंडल आपको सेम ब्लैक कलर के बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। पीछे भी 17 इंच के टायर हैं लेकिन यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग थोड़ा सा क्रोम के अंदर कुछ इस तरीके देखने को मिलेगी। ऊपर महिंद्रा की मिल जाएगी आपको रेन से बचाने के लिए रेन वाइजर जो कि एसेसरी के तौर पर लगती है। ऊपर रूफ रेल जो कि भाई इसकी पहचान है पुराने वाली। 3 मिरर, थर्ड मिरर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 7 सीटर की ये गाड़ी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है। अब आते हैं बैक लुक पे, तो बैक लुक कुछ इस तरीके की है। ये पुराने वाला जो एरिया था जो जनरेशन 2 में या 1 में था ये वापस ला दिया है। यहाँ पर इसकी बैक लाइट, इंडिकेटर, बैक करने की लाइट यहाँ है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नया वाला लोगो पीछे देखने को मिलेगा आपको इसमें कैमरा। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर दिया है। वाइपर डिफोगर देखने को मिल जाएंगे। स्टेपर आपको यहाँ है। 2 पार्किंग सेंसर पीछे देखने को मिल जाएंगे। नीचे रिफ्लेक्टर दिए हैं। और ये कुछ इस तरीके से इसका बूट जो कि ऐसे ओपन होता है। यहाँ पर आपको हिंज देखने को मिल जाएगी भाई मेटल की। ये आपको स्पीकर इसमें लगवा सकते हो। ये इसका है ग्रैब हैंडल, ये इसका डोर हैंडल। बीच कलर का इसमें इंटीरियर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का बूट स्पेस है। बूट स्पेस नीचे है, 7 बंदे बिठाने हैं तो इसको इजिली ऐसे नीचे करो। 2 सीट यहाँ पर बन जाती है, 7 सीटर के अंदर आती है। ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ये ग्रैब हैंडल। इतना कुछ खासा स्पेस है इसके अंदर। अगर आप 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान ले जा सकते हो। तो ये था इसका भाई बूट जो कि कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो ये था इसका ओवरऑल लुक। साइड से दिखाऊं तो साइड से कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो हम उस साइड से अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें। फिल्टिंग कैपेसिटी 60 लीटर की मैंने बता दी। पीछे वाली सीट पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड कप प्लेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा। पावर विंडो, डोर हैंडल नॉर्मल ही ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। ये आपके भाई फ़ोन तो नहीं आया, मेरा फ़ोन तो इससे चौड़ा है, तो फ़ोन रख लो या पेन वेन रख लो जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर आपकी बोतल होल्डर कुछ इस तरीके से इसकी पीछे वाली सीट है। मिरर कांच इस तरीके से। स्पेस आपको भाई पहले से पता होगा, ये सीट थोड़ी सी पीछे रिक्लाइन कर रखी है तो मैं ड्राइवर साइड सीट पर बैठकर आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके की पीछे हमें ये सीट देखने को मिल जाती है स्कॉर्पियो के अंदर। भाई लाइट की अगर हम बात करें तो 2 लाइट देखने को मिलती है, एक यहाँ और एक यहाँ पीछे वालों के लिए। तो यहाँ आपको 2 लाइट और हेलोजन के अंदर ही ये लाइट दी गई है। सीट की बात करोगे सीट काफी बढ़िया है। 3 बंदे 4 बंदे भी इसमें ठीक ठाक बैठ जाएंगे, वरना 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। साथ में आर्म रेस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है लेकिन ठीक है। कुछ इस तरीके की हमें गाड़ी देखने को मिलती है। पीछे की तरफ ये मिलेगी आपको इसकी सीट बेल्ट, तो 3 पिन
पिन सीट बेल्ट यहाँ देखने को आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की, तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें एसी वेंट, फोन रखने की जगह, तो पीछे की तरफ सिर्फ ये चीज़ें ही मिलेंगी। ज़्यादा भाई ये गाड़ी अपने ज़्यादा फीचर के लिए, अपने रुतबे के लिए जानी जाती है। पीछे से देखोगे ये मिलेगा इसका कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, जो कि भाई ऐसा लगता है। अब चलेंगे आगे और फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर फीचर देखने को मिलेंगे। बाकी बस यही है, पीछे की तरफ ग्रैब हैंडल दे दिए, ऑटोमेटिक जो आपको पावर विंडो देखने को मिलती है ये मिल जाती है, और बस हो गया मेट्रोवर स्कॉर्पियो का। अब आगे चलते हैं और स्पेस की बात करते हैं। भाई सामने वाले डोर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इसका सामने वाला डोर देखने को मिलता है। वही सेम ट्रिम है, बीच और ब्लैक कलर की, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप यहाँ दे दी गई है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, ये भी थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। SRS एयरबैग की ब्रांडिंग, 6 एयरबैग इसमें दे दिए हैं। बाकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ये भाई शोरूम वाले अपनी लगा कर रखते हैं। वहीं बात करें एसी वेंट यहाँ देखने को मिलेंगे, 2 यहाँ, 1 ड्राइवर साइड। मीटर की अगर हम बात करें तो मीटर हमें सेम देखने को मिलता है जो कि पुराने वाली स्कॉर्पियो के अंदर था। अब मैं एक बार इसे इग्निशन ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हमें इसका मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई यहाँ पर हमें दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये बीच में एक छोटी सी MID इसकी कंपनी ने हमें दे दी है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वही पुराने वाला बेसिक इसमें सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक 7 इंच की टच डिस्प्ले है जो कि एंड्रॉयड के साथ आती है, तो वही एंड्रॉयड डिस्प्ले इसमें लगी हुई मिलती है, जिसमें कि आप इस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। FM AM ये आपकी स्कॉर्पियो बनी आ गई। नेविगेशन इसमें ब्लूटूथ है, रेडियो, म्यूजिक एप्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। स्मूथनेस की बात करें तो हाँ ज़्यादा लैगी है नहीं, और स्मूथनेस आपको दिखाऊं तो हाँ स्मूथनेस भी ठीक ठाक है, क्योंकि एंड्रॉयड है तो भाई एंड्रॉयड थोड़ा सा स्लो चलता है। ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड का म्यूजिक सिस्टम। 6 स्पीकर इसके अंदर आते हैं, तो 6 स्पीकर का सेटअप यहाँ दिख जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स विद रिवर्स के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ अपना फ़ोन रखने की जगह जो कि कुछ इस तरीके से है। वुडन ट्रिम देखने को मिल जाएगी। यहाँ नीचे 1 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं AC जो कि भाई ऑटोमेटिक AC है, जो कि काफ़ी ठीक रहता है। वहीं नीचे की तरफ बात करें तो वही मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत स्पेस, ये आपके फ़ोन रखने की जगह, या भाई अपना पर्स वर्स रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग पे, तो स्टेयरिंग कंट्रोल पे यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, फ़ोन उठाना काटना, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन। तो भाई इसके अंदर हमें क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से देखोगे तो डैशबोर्ड का पूरा लुक देखने को मिलेगा। IRVM की बात करें तो मैनुअल IRVM देखने को मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको मिरर, और यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल टिकट होल्डर ही देखने को मिलता है। तो कुछ ओवरऑल गाड़ी का इस तरीके का लुक हमें स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का देखने को मिल जाता है, जो कि अभी क्लासिक के नाम से लॉन्च हुई, बाकी स्कॉर्पियो तो पुरानी है, स्कॉर्पियो लवर इसे जानते ही हैं। वहीं इसके बूट स्पेस की बात करें तो ये रहा भाई इसका बूट स्पेस बोल रहा हूँ, ग्लव बॉक्स यहाँ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी फिनिशिंग दी गई है। स्पीकर भाई इसके डोर में ही आते हैं, जैसे हमें पता है 6 स्पीकर का सेटअप है। ये था ओवरऑल लुक पूरा इस गाड़ी का। अब चलते हैं बाहर, और सेफ्टी फीचर की बात करें सिर्फ ABS देखने को इसके अंदर मिलता है। EBD ब्रेक असिस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ABS इस मॉडल में हमें दिया गया है। अब चलता हूँ बाहर, और 6 एयरबैग हैं जो सेफ्टी के लिए आपको मिलेंगे। तो भाई ये थी स्कॉर्पियो क्लासिक जो मैंने आपको दिखाया। इंजन की हम बात कर रहे थे, तो भाई इंजन इसमें वही 2.2 लीटर का टर्बो GDI इंजन देखने को मिलता है, डीजल वाला। पावर की बात करें 130 BHP, और टॉर्क की बात करें तो 300 Nm का इसमें देखने को मिलता है। तो ये वही वाली कार है जैसे उचक के चलती है। तो भाई यही इसका रुतबा है, यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको ख़रीदनी है तो वो अपने भाई अश्वनी है सामने, जो आपको पहली वीडियो में फीचर हुए हैं, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे इजीली बात करके और काफ़ी बढ़िया प्राइस में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी भाई आपको ये स्कॉर्पियो क्लासिक,
अच्छी लगी तो भाई वीडियो लाइक करो, और वीडियो मेरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट और की इसमें जा सकती हैं, गाड़ी में भी और हमारी वीडियो में भी। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। शोरूम की बात करूँ, महिंद्रा का शोरूम है नरेला के अंदर। तो भाई जल्दी जल्दी सारे वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।